आज हमने नाश्ते में लिया पराठा, पकोड़े और अचार, और साथ में बटर की टिक्की। क्या आवाज कर रहे हैं? पहाड़ी इलाके में गाड़ी ड्राइव करने का रूल होता है, अगर आपके पास जगह है तो आप सामने को पास दें और इस तरह से आप ट्रैफिक जाम होने से बच सकते हैं। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, मुझे पास देने के लिए जगह मिली तो मैंने उस जगह पर रोक लिया, उस गाड़ी को पास दिया। यहाँ लैंडस्लाइड हो गई थी इसलिए जेसीबी लगी हुई है, जो सड़क पर जो पत्थर आ गए थे उनको साइड में करने के लिए यहाँ पे अभी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें। देखो गाइस ये क्या है, ये एप्रिकॉट है जिसे रुमाल भी बोला जाता है। और देखो मम्मा डैडी और ले आए बहुत सारे, रोड पे बहुत सारे गिरे हुए थे तो मम्मा डैडी बहुत सारे ले आए। गाड़ी में से ही बैठे बैठे ये फ्रूट तोड़ा जा रहा है, इधर येलो बेरीज लगी हुई है बहुत सारी। नहीं आप उतरो, ऐसे ही बन जाएगी वीडियो। लेकिन हम पहले वहाँ पे थे, हम आज वहाँ से वहाँ पहुँच गए। जय बाद में मिलते हैं। देखो अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे पहुँच गए। देखो कितनी सुंदर जगह है। दोस्तों हम सरची विलेज पहुंच गए और अभी हम सरची ग्राउंड जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आड़ू के पेड़ हैं। गाइस देखो आड़ू में से कुछ थोड़े थोड़े पके हुए भी है, एप्पल के हैं, एप्पल के हैं गाइस। ये आड़ू के नहीं एप्पल के पेड़ है, देखो कितने सारे एप्पल लग रहे हैं यहाँ पे गाइस। एप्पल गाइस कंफर्म ये एप्पल ही है, बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत सारे, बस एप्पल ही एप्पल के हैं यहाँ पे। ये एप्पल बहुत सारे आप लोगों को खाने के लिए मिलते हैं। पहले एप्पल नीचे हुआ करते थे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है तो इसलिए ये एप्पल हाइट पे आ गया है, मतलब ऊंचे पहाड़ों पे होने लगा है। गाइस हिमाचली ट्रेडिशनल हाउस, ये व्यू देखिए आप, क्या शानदार व्यू आ रहा है।
कैमरे। गाइस हम पहुंच चुके हैं सरची विलेज और सरची विलेज के हम प्लेग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मैं अभी आपको यहां से इसका व्यू दिखाता हूं। काफ़ी लोग यहां पे घूमने आए, काफ़ी अच्छी जगह है। और नीचे सरची विलेज है, उसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको ये ग्राउंड मिलेगा। यहां पे ये लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। और ऐसे ही ग्राउंड ऊपर भी हैं और एक वाटरफॉल है, लेकिन काफ़ी हाइट पर है। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। ये नीचे सरची गांव है। आपको सरची गांव में कोई होटल नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब यहाँ ग्राउंड के पास आएंगे तो यहाँ पे कुछ होम स्टे देख सकते हैं। यहाँ आपको होम स्टे मिल जाएगा ठहरने के लिए। और ये इसका व्यू है। मैं भी लगभग सेंटर में खड़ा हूँ ग्राउंड के। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और सामने आप देखेंगे वहाँ पे तो बर्फ का पहाड़ नज़र आ रहा है। जो मैंने आपको नीचे दिखाया था वही पहाड़ है, यहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, पास में नज़र आ रहा है। एक बार वो व्यू ले लीजिए, बहुत सुंदर जगह है। अगर आप जिब्बी की तरफ आते हैं, जिब्बी तीर्थन वैली गुशैनी, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ का रास्ता ठीक ठाक है। जब यहाँ पे आ रहे हैं तो शॉर्टकट से ना आएँ। ग्राउंड पे आने पे के लिए, सरची विलेज जाने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रैकिंग में काफ़ी फ़न है। यहाँ पर एक फ्लावर है, पौधा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअली जंगली पौधा है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर पौधा है। नीचे भी ये काफ़ी सारे पौधे हैं और काफ़ी अच्छी पिक्स आप वहाँ पे खींच सकते हैं। अभी हम एकदम टॉप में हैं। ग्राउंड के काफी अच्छा ग्राउंड है। तो दोस्तों सबको भूख लगने लग गई है, तो हम यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं। तो भैया मैगी बना रहे हैं और हम चाय बना के पियेंगे खुद से। हम गिलास लाना भूल गए थे, भैया से हमने गिलास ले लिए। कप गिलास है, कप जैसे लग नहीं रहे। तो हम चाय बनाएंगे, भैया मैगी बना रहे हैं, चाय बनाते हैं। चलो गाइस, हम यहाँ पे कॉफी बना के पी रहे हैं काफी मशक्कतों के बाद। थोड़ा डालना, ज्यादा मत डालना, बांटनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ये कॉफी पियोगे आप भी? पी लेना हमारे हाथ की। हाँ, ये भैया हमारे लिए मैगी बना के लाए। ये व्यू है, यहाँ बालक लोग नमकीन खा रहे हैं। कॉफी मैगी खा लेते हैं।
मैगी का मजा लेते हुए। खुशको अच्छी नहीं लग रही मैगी। अनायक को कैसी लगी मैगी? जाएगी तो छोड़ देंगे भाई। ये मैगी मेरी है, ये मैगी है नायक की, ये सिंपल मैगी है, ये मसाला मैगी है। चुनी मैं फीकी लूंगा को। कौन सी है नायकी? हम वापस जा रहे हैं नीचे को और फिर हम जाएंगे होम स्टे में। बीच में हम गुशैनी रुकेंगे थोड़ी देर और पता करेंगे वहाँ के होम स्टे का कौन सा होम स्टे अवेलेबल है। हमको कल गुशैनी जाना है, एक रात हम वहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो हम पता करेंगे गुशैनी में होम स्टे अवेलेबल है या नहीं। अक्टूबर में तो ही बड़ी बात है। अनाया क्या बोल रहे हो? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
गाइस अन्ना ने पूरा 1 किलोमीटर की स्टेप चढ़ाई है, जिसकी हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये छोटी सी बच्ची चढ़ गई और अभी काफ़ी थक चुकी है। कुछ ने ट्रैकिंग के साथ सामान भी उठाया है। अनाया को कंट्रोल करना मुश्किल ही नामुमकिन सा हो जाता है हमारे लिए कई बार। देखिए गाइस कितना सुंदर गांव है, ये सरची से नीचे वाला गांव है और इसमें आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे। होम स्टे ग्राउंड पे भी थे, यहाँ पे भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे और आप यहाँ से ट्रैक करते हुए जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, आप वॉक करके इजीली जा सकते हैं। देखिए गाइस कितना सुंदर नज़ारा है। एक सामने आपको वो गांव भी दिख रहा होगा कितनी हाइट पे है, मुझे नहीं पता वहाँ का रास्ता है या नहीं है, वो लोग कैसे जाते हैं, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है। हिमाचली लोग की लाइफ बहुत कठिन होती है। हम जिस गेस्ट हाउस में रह रहे हैं उस गेस्ट हाउस के अंकल काफ़ी मेहनत करते हैं और सारा काम वो अपने आप से करते हैं और अभी तक भी वो काफ़ी फिट हैं। गाइस जो नेट लगा रखा है ये बागान को ओलों की मार से बचने के लिए लगा रखा है, ताकि ओलों की मार से जो फल होता है वो झड़े ना। ये सारे बागान सेम के हैं, पहले सेम नीचे की तरफ हुआ करती थी क्योंकि ठंड वहाँ पे नीचे अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड नीचे कम होने लग गई इसलिए सेम के बागान ऊपर शिफ्ट हो गए। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि वो थोड़े टाइम में और ऊपर चले जाए सेम के बागान, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमको अपने घर के आसपास, घर में, घर के बाहर, जहाँ पे भी हमको जगह मिलती है हमें पौधे लगाने चाहिए। बिस्किट खाने क्या दे देना, छोटे से बच्चों को बिस्किट के लिए काफी वेट करना पड़ा। पीछे देखना कुछ। आप अकेले ही घूम रहे हो क्या? हैं? अकेले घूम रहे हो? स्कूल जा के आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। क्या नाम है? लव। अरे वाह बहुत अच्छा नाम है। पसीना रहा है। चलो। शेर है कोई पसीना पसीना। चलो। अच्छी बात है सिर्फ टैंक।
से गाड़ी निकाल। क्या नाम है? बिस्किट का नाम पिछला बिस्किट दे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ में। वो तुम्हारी सिस्टर्स है? अच्छा, बाय। से बात करूं उसकी बनाऊं? अरे यार, सामने का चंदू निकल जाएगा मेरे घर। ये देखो सड़क पे। अरे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। नमस्ते अंकल, ये पोता आपका? पोता है? बेटा बेटा, बिस्किट बिस्किट दे दे उसको। अंकल को बुरा लगेगा। बहुत सुंदर है आपका गांव, बहुत सुंदर है। पापा मैं फल कर दे दूं? और दिस को भी दे दे। यहाँ पे खाना के खिलाना नहीं, भी गाड़ी रुक गाड़ी क्योंकि वहाँ पे तीन लोग टेंट में सोते हैं।
पर यहाँ पर रात में ना सुनसान सा होता है ना। सुनसान वही तो मजा है। सुबह होना चाहिए। अपने कैसे रहता है, पी पी टी टी, कभी ऑटो आता है, कभी ट्रैक्टर आता है, कभी ट्रक आता है, कभी बाइक आती है, कभी बुलेट वाला आता है, धुक धुक। अच्छी लगती नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसकी आवाज में सब। सरसी विलेज में हमने कुछ फोटोज क्लिक की थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डर वो नहीं बोलते, इसको थोड़ा सा सावधान देना होगा। तो लोग ट्रैक करते हैं इसी जगह पे, फैमिली के साथ नहीं आते वो। Yeah, that's it.
फाइनली हमको भूषणी में एक रिवर साइड रिसोर्ट मिल गया है जिसका नाम ब्राइट साइड रिसोर्ट है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, एकदम नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी। बेटा यहाँ वॉशरूम Thank you.